हेलो, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपन लाइंस और एंगल्स पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, और लाइंस और एंगल्स में हमने आपको लास्ट क्लासेस तक बहुत सारे एंगल्स के बारे में जानकारी दे दी थी और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर जो आप अभी नए जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख के जाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि बीच में स्किप कर दें, और वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें वीडियो को, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, आज हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे 4 से 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इन 5ों क्वेश्चन को बिलीव करो, अगर आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से एक एक कंसेप्ट वाइज अगर आप समझते चलते हो और करते चलते हो, तो आपको इस लाइंस और एंगल चैप्टर में डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखो, इनिशियल लेवल के क्वेश्चन हैं आपके, यही क्वेश्चन जो है आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको देखने मिलेंगे सेम लैंग्वेज के। मैंने वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन आज 5 इसलिए लिए हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाए थे वर्ड प्रॉब्लम के, और आज भी मैंने वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को वो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आती है। डायग्राम देख के सोल्यूशन निकालना बहुत इजी होता है, वो कर लेते हैं आप लोग, करवाएंगे हालांकि वो भी चीजें हम, लेकिन वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है? उनमें आपको दिक्कत नहीं जाती क्योंकि उसमें चीजें दिख रही होती, लेकिन यहां पे क्या होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, डेटा को पहले समझना पड़ता है, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। पहले तो आपने देखा क्वेश्चन को, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड किया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उसके बाद सोल्यूशन को करना स्टार्ट किया। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जबकि अगर एक डायग्राम में क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ और उसमें डायरेक्टली आपको एक्स वाई जेड किसी की वैल्यू पूछी एंगल की, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगा के। तो आप चलो देखो, ये 5 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनके बेसिस पे आपके जो भी फाउंडेशन, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, उनमें डेफिनेटली इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ठीक है, इसी वेरायटी का। तो चलो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 34 डिग्री, फाइंड द एंगल। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, इफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, ठीक है? तो सप्लीमेंट्री एंगल पहली चीज तो होते क्या है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका एडिशन कितना होता है, जिनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। साथ में मैं बता देता हूँ आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री के होते हैं, टोटल 90 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री का, सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 डिग्री का। अब देखो हमको क्या दिया था, दो सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 34 डिग्री। अगर मान लेता हूं मैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल मेरे पास एक्स है, ठीक है, और तो क्या दूसरा एंगल मेरे पास 34, देखो अगर मैंने मान लिया, अगर आप इसको दो वेरिएबल के साथ लिख के करो, अभी देखो अगर मैंने माना एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आर डिफर बाय 34 डिग्री। मतलब एक एंगल अगर एक्स है, दूसरा एंगल अगर वाई है, तो ये डिफर बाय 34 डिग्री। क्या ये ऐसा होगा क्या, क्या आप ये मानते हो, दो सप्लीमेंट्री एंगल जो हैं वो डिफर कितने से हैं, 34 डिग्री से, ठीक है? फिर मुझे आपको, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 माइनस ऑफ एक्स। क्या आप इतनी चीजें जानते हो, ठीक है भाई? ये एंगल अगर एक्स है, ठीक है, तो इसका इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स होगा। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री के केस में बताया था कि एक एंगल अगर एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस ऑफ एक्स। सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि अगर एक एंगल, अगर सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं मैं, पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री यहां से रफ कर देता हूं मैं, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो अगर एक एंगल मेरे पास एक्स है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस तक, जिस किसी को समझ में नहीं आता तो बता देता हूं कैसे किया था अपन ने। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर दो एंगल होंगे एक्स प्लस वाई, इसका एडिशन 180 डिग्री होता है। अगर मैं एक एंगल एक्स मान लूं तो क्या मेरे पास दूसरा एंगल 180 माइनस ऑफ एक्स आता है क्या, दूसरा एंगल क्या मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स आता है क्या? तो मैं क्या यहां से बोल सकता हूं कि इस एक्स का ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इस एक्स का ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट देखो, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से माइनस करते हैं, सप्लीमेंट्री में 180 से माइनस करते हैं, मतलब कि क्या इन दोनों एंगल का एडिशन 180 आएगा? मतलब मैं अगर एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स कर दूं तो क्या ये 180 के बराबर आ रहा होगा क्या? हाँ देखो, 180 के बराबर ये आ रहा है, ठीक है? तो मतलब कि अगर मैं एक एंगल एक्स ले लूं तो उसका इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, ठीक है? इसमें तो आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल आर डिफर बाय 34 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कितने से डिफर है, 34 डिग्री से है। देखो
दो सप्लीमेंट्री एंगल जो हैं वो कितने डिग्री से डिफर हैं, 34 डिग्री से डिफर हैं एक दूसरे के साथ। देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, अगर मैं एक एंगल x मान लेता हूं, अगर मैं एक एंगल x मान लेता हूं, लेट लेट द फर्स्ट एंगल बी x, अगर मैं पहला एंगल x मान लेता हूं तो क्या दूसरा एंगल x प्लस 34 डिग्री होगा, क्या दूसरा एंगल x प्लस 34 डिग्री होगा, क्या ये चीज मानते हो? फिर देखो जैसा कि मुझे मालूम है कि दोनों एंगल का सम कितने का होता है, x प्लस 34 डिग्री, ये बराबर क्या 180 डिग्री के होता है, ठीक है। तो यहां से आ गया 2x बराबर 180 डिग्री माइनस ऑफ 34 डिग्री, यहां से भी इसको माइनस करोगे, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 4 7 में से 3 जाएगा 4 और यहां 1, ये 2x की वैल्यू है। क्या x की वैल्यू मेरे पास 146 बाई 2 आएगी, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 73 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 73 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 73 डिग्री। तो एक एंगल होगा 73 तो दूसरा कितना होगा, फर्स्ट एंगल तो आ गया, फर्स्ट एंगल आपने x एज्यूम किया था और x की वैल्यू कितनी आई है 73 डिग्री आई है, तो सेकंड एंगल क्या होगा, सेकंड एंगल होगा आपके पास x प्लस, सेकंड एंगल आपके पास होगा x प्लस 34 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 73 प्लस 34 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 7 और ये आ जाएगा 10, तो 107 डिग्री। दूसरा एंगल कितने का होगा 107 डिग्री का। अब आप देख भी सकते हो आपने जो दो एंगल निकाले हैं, एक तो निकाला 107 दूसरा निकाला 73, अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो क्या इनका डिफरेंस 34 डिग्री आ रहा है, क्या इनका डिफरेंस 34 डिग्री आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई भी हो रही कि दो सप्लीमेंट्री एंगल कितने से डिफर हैं, डिफर का मतलब होता है कि माइनस की बात कर रहा है वो, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो अंतर होगा वो कितने का है 34 डिग्री का है। देखो मैंने यहां से निकाल भी दिया है, अब देखो क्वेश्चन को पकड़ोगे कैसे, देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये तो मैंने आपको समझाया है, ये मैं रफ कर देता हूं अभी, देखो दो तरीके थे आपको क्वेश्चन करने के। सबसे पहला तरीका तो ये था कि आप एक एंगल को एक्स मान लो, एक एंगल को आप क्या मान लो एक्स मान लो, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 34 प्लस एक्स। अब 34 प्लस एक्स कैसे हुआ ये भी समझो, देखो दो एंगल का डिफर 34 डिग्री था, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोलूं कि एक एंगल अगर मान लेता हूं एक्स है, दूसरा एंगल मैं सेकंड एंगल मान लेता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स माइनस सेकेंड एंगल बराबर 34 डिग्री, सॉरी, तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि सेकंड एंगल माइनस ऑफ एक्स फर्स्ट एंगल बराबर 34 डिग्री, क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं? तो यहां से सेकंड एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा 34 डिग्री प्लस एक्स आ जाएगा, क्या देखो यही लिखा है 34 डिग्री प्लस एक्स सेकंड एंगल, ठीक है। या किसी को यह भी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए और भी ऑल्टरनेटिव हैं, देखो कैसे कर सकते थे। देखो उसने बोला है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल डिफर होते हैं, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में डिफरेंस कितने का है 34 डिग्री का है, तो अगर मैं एक सप्लीमेंट्री एंगल x मानता हूं तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस ऑफ x होगा, क्या ये चीज आप मानते हो क्या, अगर एक एंगल x होगा तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस x, फिर अगर मैं इनका डिफरेंस करूं x माइनस 180 डिग्री माइनस ऑफ x इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 34 डिग्री, भाई आपको यही तो दिया था ना कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफर कितना है 34 डिग्री, तो एक सप्लीमेंट्री एंगल x हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ x, ठीक है, और आपको दिया था कि फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है 34 डिग्री। अब यहां से ब्रैकेट खोलो तो x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x बराबर 34 डिग्री। अब क्या करोगे x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और यहां कितना आ जाएगा देखो x प्लस एक्स हो गया 2x और यहां से माइनस 180 इधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा, तो 34 डिग्री प्लस 180, इसको जब जोड़ोगे मैं यहां जोड़ के दिखा देता हूं, 34 डिग्री प्लस 180 को जब जोड़ोगे तो यह जाएगा 4, 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1 और 2 कितना जाएगा 214, तो क्या मेरे पास 2x की वैल्यू 214 डिग्री आ रही होगी क्या, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो x इक्वल्स टू हो जाएगा 214 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 से 2 0, 2 7 से 14, क्या मेरे पास x की वैल्यू 107 डिग्री आ रही है,
क्या मेरे पास x की वैल्यू 107 डिग्री आ रही है? अगर एक एंगल 107 डिग्री का होगा तो मुझे आप बताओ सेकंड एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर एक एंगल 107 डिग्री का है तो सेकंड एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ 107 डिग्री। क्या ये मेरे पास ये 73 डिग्री आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप देखो यहाँ से पहला एंगल 107 डिग्री आया है और एक एंगल कितना है? 73 डिग्री। इस प्रोसेस से भी एक एंगल 73 डिग्री आया है, दूसरा एंगल कहाँ गया? 107 डिग्री आया है। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है। ये आपके ऊपर है, आपको क्या किस लैंग्वेज को समझ में आता है, किस लैंग्वेज से आप क्वेश्चन को पकड़ते हो। दोनों ईजी हैं। अब आप बोलो ये एंगल कहाँ से निकाला? तो जैसा कि आपको पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो अगर एक एंगल एक्स होगा जो दूसरा कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस किया मैंने, जब दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो आंसर कितना आना चाहिए? 34, क्योंकि उसने कहा था दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है? 34 डिग्री है। तो फाइंड द एंगल, मुझे एंगल बताना था। तो एंगल क्या हो गए? एक तो आ जाएगा 107 डिग्री और एक कितना आएगा? 73 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना था। दो तरीके मैंने बताया आपको, एक तो ये तरीका बताया, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इस अप्रोच से भी जा सकते हो। यहां का जो आपका स्टेटमेंट है वो मैंने लिख दिया था इस वाली अप्रोच का, कि लेट द एंगल बी फर्स्ट एंगल बी एक्स, फिर उसके बाद यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड एंगल विल बी, फिर आप सेकेंड एंगल विल बी के बाद ये लिखेंगे, ठीक है, फिर नाउ उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप। फिर हमको मालूम है कि दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो फिर यहां से आप इस तरीके से लिखेंगे। यहां पे अप्रोच क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स, दिस इंप्लाइज सेकेंड एंगल इक्वल्स टू कितना लिखेंगे आप? सेकेंड एंगल इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। फिर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? फिर ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप, कौन सी? ये वाली एक्स माइनस 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 34 डिग्री। तो यहाँ से आप दो एंगल निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके के अप्रोच को आप लेके जाएंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। मैंने आपको दो तरीके बताए करने के, जो आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को फॉर्मेट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको रफ कर देता हूँ, आपने आई होप लिख लिया होगा। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि वो x plus 34 डिग्री क्यों लिखा था जबकि उसने माइनस बोला था, ठीक है, मैंने आपको वो भी समझा दिया, क्योंकि दोनों का एडिशन 180 डिग्री आना था, सॉरी दोनों का जो डिफरेंस है वो 34 डिग्री आना था। तो अगर एक एंगल x होगा तो ऑब्वियसली बात है दूसरा एंगल कितने का होगा? x plus 34 का होगा, ठीक है। चलो देखो अब, तो ये करने के बाद अपन अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन एंगल इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कोई एंगल है वो 5 गुना है अपने कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या। देखो भाई, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। टोटल जो कॉम्प्लीमेंट, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब मैं अगर एक एंगल एक्स लिख रहा हूँ तो दूसरा एंगल अगर मैं वाई ले लेता हूँ अभी समझाने के लिए आपको केवल, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये तो दो वेरिएबल के फॉर्म में है, अगर मैं इसको एक ही वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मैंने अगर एक एंगल एक्स ले लिया तो क्या ये वाई की वैल्यू 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स होगी क्या? क्या ये समझ पा रहे हो आप? देखो मैं एक्स डिग्री पे नहीं लिख रहा हूँ, ये एक्स जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में ही आएगी, ठीक है। मैंने बोला दो एंगल का सम एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होता है, अगर मैं वाई को वाई रहने दूं, पहला एंगल मैंने एक्स मान लिया है, तो क्या दूसरा एंगल मेरे पास 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स आ रहा होगा? इतनी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब हमको दिया है एन एंगल इज 5 टाइम्स। अच्छा देखो, दूसरी चीज ये है कि एक एंगल जब एक्स आया है दूसरा एंगल कितना आया है? 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। तो याद रखो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एडिशन कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। देखो आ भी रहा है 90 डिग्री,
आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं, यही चीज देख लो, अगर एक सप्लीमेंट में क्या होता है, सप्लीमेंट में क्या होता है, एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल में मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वाई, तो क्या इसका एडिशन 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर उसके बाद देखो, अगर मैंने एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, तो मैं अगर वाई की वैल्यू निकालना चाहूं, तो क्या वाई की वैल्यू 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स आ रही होगी क्या? फिर मैं बोलूंगा एक्स और 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है। क्या है? सप्लीमेंट्री है। एक दूसरे एंगल क्या है? सप्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एक एंगल अगर एक्स है, दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट में क्या होता है, अगर एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसको रफ कर देता हूं मैं, अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो, हमें क्वेश्चन दिया था एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लिखेंगे लेट, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, लेट द एंगल बी एक्स। हमने एंगल क्या मान लिया, एक्स। देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। नाउ अब हम लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब हमको, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन एंगल, जो एंगल है वो 5 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के। यही बोल रहा है क्या क्वेश्चन, क्या आप समझ पा रहे हैं? उसने बोला एन एंगल इज इक्वल्स टू, देखो इक्वल टू लगा दिया, एंगल बराबर है किसके बराबर है, 5 टाइम्स। देखो जब भी टाइम्स बोले ना तो मल्टीप्लाई होता है, अगर मोर या लेस बोलते तो हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। जब वो जब भी कोई क्वेश्चन में आपको टाइम्स बोले तो मतलब वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो बाई की बात करता तो फिर हम डिवाइड करते, ठीक है। यहाँ पे टाइम्स बोला तो मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, क्या है 5 टाइम्स, तो 5 इंटू इट्स कॉम्प्लीमेंट, और सर कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। अब ये याद रखना, ये 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि केवल 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर 90 के साथ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9545 माइनस 5x, 5 इंटू x कितना हो जाएगा 5x माइनस ऑफ 5x। क्या इस माइनस 5x को इधर ले आओगे तो x प्लस 5x बराबर 45, 450 डिग्री। यहां से कितना आ जाएगा, 6x बराबर कितना आ जाएगा 450 डिग्री। मैं यहां कर देता हूं उसके बाद का सोल्यूशन, ये चलो यहां पे भी आ जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 अपॉन 6। मैं इसको अगर काटना चाहूं, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15 और 0 0 एज इट इज लगा दिया, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 5 10 और 8 डिग्री। तो क्या x की वैल्यू मेरे पास 75 डिग्री आ रही होगी, क्या x की वैल्यू 75 डिग्री आ रही होगी, बिल्कुल सही। हमें क्या निकालना था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, दोनों एंगल निकालना है, एक एंगल 75 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस x कर दोगे, तो 90 माइनस जब x कर रहे होगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ 75 डिग्री, क्योंकि पहला एंगल आपका कितना है 75 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 और 1 15 डिग्री, कितना जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर सकते हो, एन एंगल इज 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट, ये जो एंगल है मतलब जो 75 डिग्री है वो कितना इक्वल आना चाहिए 5 टाइम्स अपने कॉम्प्लीमेंट के, और कॉम्प्लीमेंट कितना आया 15 डिग्री, तो क्या 15 5 75 होता है क्या, 15 5 75 होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये मेरे पास मैंने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को लेके जाओगे आप, चलो उसको नोट करो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप नोट हो गया होगा, चलो देखो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं वो किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में, ठीक है। फाइंड द एंगल, तो हमको एंगल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो जब कभी भी रेशियो में दिया हो इसका मतलब क्या है कि एक एंगल, देखो जब वो रेशियो में दिया है तो इसको x के टर्म में लिख लिया करो, एक एंगल अगर 2x होगा तो दूसरा एंगल क्या 3x होगा, बिल्कुल सही। एक एंगल अगर x होगा, सॉरी 2x होगा, तो दूसरा एंगल क्या 3x होगा, बिल्कुल सही। अब देखो मैं यहां लिख लेता हूं लेट, सबसे पहले यहां से सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं, लेट दी
एंगल बी 2x एंड 3x, ठीक है भाई। देखो मैंने एंगल क्या मान लिया 2x और 3x। अब आप बोलोगे 2x 3x क्यों लिया भाई, अगर मैं 2x और 3x का रेशियो बनाऊं तो क्या x से x कट रहा होगा, तो क्या ये 2 अपॉन 3 या इसी को बोलते हैं 2:3, क्या ये ऐसा आ रहा होगा, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। तो मैंने एंगल क्या मान लिया 2x और 3x। अब आप बोलो क्या मैं 2x और 3y मान सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं, क्यों। अब देखो x x कटेगा नहीं, आपको दिया था 2 अपॉन 3 लेकिन आप क्या ले आए 2x अपॉन y ले आए, ये तो वेरिएबल कट नहीं रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है बराबर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो हमको मालूम है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री का। सिंस वी नो दैट द एडिशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू एडिशन ऑफ, यहां लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मेरे पास आएगा 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, तो मेरे पास 5x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री, x का वैल्यू आ गया 180 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ कर रहा हूँ मैं, x का वैल्यू आया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, देखो जहाँ मैंने डिग्री नहीं लिखा गलती तो आप डिग्री लगा देना, तो 5 3 15, 5 6 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, ठीक है। बट देखो उसने मुझसे क्या पूछा था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, उसने मुझसे एंगल का मेजरमेंट पूछा था, तो क्या मैंने एंगल का मेजरमेंट बताया अभी इसको, नहीं, मैंने क्या निकाला, मैंने केवल x की वैल्यू निकाली, लेकिन उसने मुझसे पूछा था फाइंड द एंगल, तो एंगल मैंने क्या माने थे, एंगल मैंने माना था 2x और क्या माना था 3x, 2x और 3x मैंने माना था, ठीक है। तो मुझे अभी एंगल निकालना पड़ेगा, तो नाउ फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, तो कितना जाएगा 72 डिग्रीज। सेकेंड एंगल की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 3x, तो आप पुट करेंगे 3 इंटू 36 डिग्रीज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 108 डिग्री आएगा। तो मेरे पास दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना आ गया, एक आया 72 डिग्रीज और एक कितना आया 108 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन मुझको दिया गया है, इफ 2x माइनस 10 डिग्रीज एंड x माइनस 5 डिग्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला मुझे, मुझे बोला है कि 2x माइनस 10 डिग्री और x माइनस 5 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि जब दो एंगल बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दोनों एंगल का एडिशन क्या 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया और आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एडिशन कितना होता है 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब कि यह बोलना चाह रहा है कि 2x माइनस 10 डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे आप सिंस द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या मैंने बोला दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, किस केस में, जब वो एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमसे कि 2x माइनस 10 डिग्री प्लस x माइनस 5 डिग्री बराबर कितना आएगा 90 डिग्रीज। यहां से जोड़ोगे 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x माइनस 10x माइनस 5 माइनस ऑफ 15 डिग्री, 10x नहीं था सॉरी, माइनस ऑफ 10 डिग्री माइनस ऑफ 5 डिग्री माइनस ऑफ 15 डिग्री होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये माइनस 15 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो 3x की वैल्यू आएगी 105 डिग्रीज, ठीक है 105 डिग्रीज।
अब आपके पास 3x की वैल्यू कितनी आई है, 105 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री, कितनी आ गई, 35 डिग्री। और हमें क्या निकालना था, हमको देखो x की वैल्यू निकालना था, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 35 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में दिया था कि दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको x का वैल्यू बताना था, और कॉम्प्लीमेंट्री यही दो एंगल है आपको दे दिया था, ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी बोल रहा है, इसका मतलब दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, ये पहला एंगल था, ये दूसरा एंगल था, दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू निकाला है, इसको नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहा है, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का आधा कर दो तो उससे 30 ज्यादा है। मतलब कि क्या बोल रहा है, कोई एंगल है, लेट द एंगल बी एक्स, दिस इंप्लाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल विल बी, ऐसा कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ऑफ x। एक एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ x। फिर हमको बोल रहा था एन एंगल, कोई एंगल है वो 30 डिग्री ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो मतलब एक एंगल मैंने x लिखा है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट के हाफ से, देखो एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के हाफ से 30 ज्यादा है। यही तो क्वेश्चन दिया था, एन एंगल इज 30 मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कोई एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के आधे से 30 ज्यादा है। मतलब अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ x, और जब 90 डिग्री माइनस ऑफ x होगा उसका आधा किया और 30 ज्यादा है तो प्लस 30 कर दिया। अब देखो, अब कुछ नहीं, इसको सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे जब, देखो कैसे करोगे, यहां पे एलसीएम लोगे, ये लिखा है x प्लस x इक्वल्स टू, देखो ये लिखा है, ये लिखा है x इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ x बाई 2 प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है। अब जब यहां से सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके जाओगे, मतलब इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही होगी, ये आ गया 2, यहाँ करोगे ये तो 90 माइनस एक्स ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, और जब इसको मल्टीप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 330 इंटू 2। कैसे आया, देखो जब इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 2, एलसीएम आएगा 1 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, और फिर इस 2 को इस 3 के 30 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ कर दिया मैंने। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स, और 30 इंटू 2 कितना होता है, 60, तो प्लस 60 डिग्री बाई 2। इस 2 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 90 डिग्री माइनस ऑफ x प्लस 60। इस x को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 3x, ये 90 प्लस 60 होता 150, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 इज़ 15 और 0। अगर देखो किसी को समझ में नहीं आया, ये लिखा था 150, 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15 और ये 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 डिग्री। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 50 डिग्री, ठीक है। तो यही आपको मेजर ऑफ एंगल निकालना था, तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। फिर से देख लो, क्वेश्चन दिया था एन एंगल इज 30 मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। अब बोल रहा है एंगल जो है वो 30 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, कॉम्प्लीमेंट के आधे से। तो पहले कॉम्प्लीमेंट देखा मैंने, 90 माइनस एक्स हुआ, इसका आधा किया और इससे 30 ज्यादा है वो वाला एंगल। फिर सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व किया, x की वैल्यू 50 डिग्रीज आई है, ठीक है। तो आज ही हमने पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। और इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।